हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी YouTube वीडियो के लिए थंबनेल कैसे बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो पर व्यू लाने के लिए थंबनेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जिस तरीके से आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए उसी तरीके से आपकी थंबनेल भी सुंदर और अच्छी होनी चाहिए, जिससे लोग आपकी वीडियो पर क्लिक करें और आपके व्यू ज़्यादा आए। मेरे पास बहुत से दोस्तों ने कमेंट की थी कि सर आप अपनी थंबनेल कैसे बनाते हैं, हिंदी फॉन्ट कैसे लिखते हैं, तो इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ जिससे आप आसानी से सीख जाए कि मैं अपनी थंबनेल कैसे बनाता हूँ। मैं आपको कुछ अपनी थंबनेल दिखा देता हूँ, अगर आपको मेरी थंबनेल पसंद है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। मैं आपको पहले कुछ थंबनेल दिखा देता हूँ अपनी वीडियो की, अगर आपको वो पसंद आती है तो इस तरीके की थंबनेल मैं आपको बनाना सिखा दूंगा। तो आप देख सकते हैं मेरी थंबनेल ये है, मैंने इस तरीके की कुछ थंबनेल बनाई गई है, जैसे आधार कार्ड पैन कार्ड की है, हमारे यहाँ पर मास्क आधार वाली है, उसके बाद हमारी WhatsApp से इंश्योरेंस डाउनलोड करने की, यहाँ पर कुछ इस तरीके की मैं यहाँ पर थंबनेल बनाता हूँ। यहाँ पर आप हिंदी फॉन्ट देख सकते हैं, मैं कलर किस तरीके से लगाता हूँ, यहाँ पर लोगो कैसे लगाता हूँ, यहाँ पर हिंदी फॉन्ट हमें कैसे लिखने हैं, इंग्लिश फॉन्ट कैसे लिखने हैं, अपना फोटो यहाँ पर कैसे लगाना है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की मेरी थंबनेल होती है, जो आपको यहाँ पर उम्मीद करता हूँ पसंद आ रही होगी। अगर आपको इस तरह की थंबनेल पसंद है तो यहाँ पर आप बनाना सीख सकते हैं। मैंने दोस्तों आपको अपनी थंबनेल दिखा दी है, अब बात करते हैं कि इस तरह की थंबनेल कैसे बनानी है। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी गूगल प्ले स्टोर से, एप्लीकेशन का नाम है पिक्सल लैब, यहाँ पर मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड है, तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करके ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ यहाँ पर इस तरीके से इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर मैं इसे कैंसिल कर लेता हूँ। कैंसिल करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे बैकग्राउंड में यहाँ पर कोई सा भी कलर ले सकते हैं, कोई सा भी यहाँ पर इमेज ले सकते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहला काम है कि हमारे इमेज का जो साइज़ यहाँ पर सेलेक्ट करना है, हमें यहाँ पर 3 डॉट पर जाना है। उस पर जाने के बाद इमेज साइज वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको जाना है यूट्यूब के लिए। अगर थंबनेल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखा यूट्यूब थंबनेल, इस पर क्लिक करना है और ओके पे कर देना है। ओके पे करने के बाद ये यूट्यूब थंबनेल का साइज आ चुका है यहाँ पर 16:9 का। साइज सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों हमें बैकग्राउंड कलर देना है कि बैकग्राउंड में हम किस तरीके से कलर रखना चाहते हैं या कोई फोटो डालना चाहते हैं। तो बैकग्राउंड का सारा काम दोस्तों हमारा इस वाले ऑप्शन में होगा, तीसरे वाले में, और यहाँ पर बैकग्राउंड में जो भी हमें इफेक्ट डालना है वो यहाँ पर हमारा चौथे वाले ऑप्शन में होगा। उसके बाद अगर हमें फोटो में कोई इफेक्ट डालना तो यहाँ पर हमारा दूसरे वाले ऑप्शन में होगा, और अगर हम कुछ भी लिखते हैं उसमें कोई भी इफेक्ट डालना है, उसमें कुछ भी एडिटिंग करना, तो यहाँ पर हमारा पहले वाले ऑप्शन में होगा जिस पर हमारा ए बना हुआ है। मैं इसे यहाँ पर कट कर लेता हूँ और बैकग्राउंड कलर देता हूँ, यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, यहाँ पर जितने भी कलर अवेलेबल है यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन पर जाएंगे या दोस्तों इस वाले ऑप्शन पर जाकर दोस्तों बैकग्राउंड में जो अलग अलग कलर होता है इफेक्ट है वो यहाँ से भी आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन में चूज़ करता हूँ, यहाँ पर आप कलर इसमें से आपका मैच नहीं करता, आप कोई अदर कलर देना चाहते हैं तो यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जिस भी तरीके का आप कलर बनाना चाहते हैं उस भी तरीके का यहाँ पर आप कलर बना सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों कलर बनाने का एक और ऑप्शन है जिससे आप जिस भी तरीके का कलर बनाना चाहते हो बिल्कुल सेम ऐसे कलर बन जाएगा। आप पेंसिल वाले आइकन पर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी आपकी बैकग्राउंड में फोटो होगा वो यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। यहाँ पर शो करने के बाद उस पर यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कलर आ जाएगा जो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। पहले यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर हमारा सिलेक्ट किया जो मैं ज़्यादातर ये वाला कलर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर ओके पे कर दिया है। बैकग्राउंड कलर लेने के बाद दोस्तों अब बात करते हैं कैसे हम अपनी थंबनेल में लिखना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद दोबारा से लेने के लिए यहाँ पर हमें टेक्स्ट पे जाना है, टेक्स्ट पे जाने के बाद एडिट पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर जो भी आप हिंदी इंग्लिश में लिखना चाहते हो यहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर दोस्तों ज़्यादातर हिंदी में लिखता हूँ क्योंकि मेरी वीडियो इसी तरह की होती है। अगर आप हिंदी में चाहते हैं, इंग्लिश में चाहते हैं, जिस भी भाषा में चाहते हैं उसमें यहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने कीबोर्ड को चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पर लिख लेता हूँ। मैंने दोस्तों यहाँ पर लिख लिया कन्या विवाह, यहाँ पर ओके कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर दोबारा कुछ लिखूंगा, उसके बाद दोबारा लिखने के लिए यहाँ पर दोबारा टेक्स्ट पर जाना है और यहाँ पर जो भी आप लिखना चाहते हैं दोबारा यहाँ पर लिख सकते हैं। दोस्तों मुझे जो भी अपने थंबनेल के बारे में लिखना था मैंने यहाँ पर लिख लिया है। कुछ चीज़ मैंने यहाँ पर हिंदी में लिखी है, कुछ यहाँ पर इंग्लिश में लिखी है, आपको जिस भी तरीके से ठीक लगे वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर हिंदी फॉन्ट किस तरीके से आ रहा है, जैसे मैं किसी भी एक पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर लिखा कन्या विवाह, और यहाँ पर फॉन्ट चेंज करने के लिए या दोस्तों लिखे हुए में कुछ भी एडिट करने के लिए इस वाले ऑप्शन पे जाना है ए वाले पर। यहाँ पर इसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं, यहाँ पर सभी काम यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर एक फॉन्ट वाला ऑप्शन दिखाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर फॉन्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फॉन्ट आपके चेंज नहीं होगे क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हिंदी में ही लिखा हुआ है। हिंदी के फॉन्ट को चेंज करने के लिए यहाँ पर आपको फॉन्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है माई फॉन्ट, यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं हिंदी फॉन्ट बहुत सारे दिखाए गए हैं। ये फॉन्ट दोस्तों मैंने गूगल से डाउनलोड करके यहाँ पर ऐड किए हैं, यहाँ पर ऐड वाला ऑप्शन आता है, आप आसानी से कृति देव फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब तक आप पिक्सल लैब में गूगल से डाउनलोड करके कृति देव फॉन्ट को ऐड नहीं करोगे तब तक दोस्तों आपके हिंदी फॉन्ट चेंज नहीं होगे। दोस्तों ये सारे फॉन्ट आप एक बार में गूगल पर जाकर कृति देव फॉन्ट डाउनलोड के नाम से सर्च करोगे, वहाँ से डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद जो फाइल आपके मोबाइल में सेव हो जाएगी उसे यहाँ पर क्लिक करके आप ऐड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से आपके ये शो हो जाएंगे। इंग्लिश फॉन्ट दोस्तों हमारे ऑटोमेटिक ऐड होते हैं, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर फॉन्ट वाले ऑप्शन पर जाऊँगा,
फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे जाकर आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करके अपने फ़ॉन्ट को आसानी से चेंज कर सकते हैं, किसी भी तरीके का फ़ॉन्ट यहाँ पर बना सकते हैं। मैं ज़्यादातर दोस्तों ये वाला फ़ॉन्ट यहाँ पर यूज़ करता हूँ और यहाँ पर इस पर मैंने क्लिक किया है। इस पर क्लिक करने के बाद आप बात करते हैं तो हिंदी फ़ॉन्ट को हमें कैसे चेंज करना है, यहाँ पर इस पर एडिट वाले ऑप्शन पर जाऊँगा और यहाँ पर इस फ़ॉन्ट को यहाँ पर मैं कॉपी करूँगा। हिंदी फ़ॉन्ट को कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको गूगल में आना है और यहाँ पर टाइप करना है इंडियन टाइपिंग। इस वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उस पर आने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पर आपको जो भी हिंदी फ़ॉन्ट हो यहाँ पर उसे पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर इसे यहाँ पर कन्वर्ट पर क्लिक करना है। कन्वर्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका फ़ॉन्ट यूनिकोड से कृतिदेव फ़ॉन्ट में हो जाएगा, यानी आपका फ़ॉन्ट अब सुंदर लगेगा। मैं यहाँ पर इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद दोबारा से यहाँ पर पिक्सल लैब में आता हूँ। पिक्सल लैब में आने के बाद इसे पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने के बाद दोस्तों हमारा फ़ॉन्ट इस तरीके से आ चुका है। अब इसे हमें चेंज करना है तो चेंज करने के लिए दोस्तों मैं दोबारा से इस पर जाऊँगा फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में और यहाँ पर माई फ़ॉन्ट पर क्लिक करूँगा। उसके बाद हम जिस भी तरीके का यहाँ पर फ़ॉन्ट हिंदी वाला कन्वर्ट करना चाहे वो यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। आपको दोस्तों ज़्यादातर फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है कृतिदेव 20, यहाँ पर हमारा कृतिदेव 20 है लास्ट में, इस पर मैं क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा फ़ॉन्ट किस तरीके से लग रहा है, पहले यहाँ पर कैसा था और यहाँ पर हमारा किस तरीके से फ़ॉन्ट आ चुका है। आप यहाँ पर जो कलर देना चाहते हैं वो यहाँ पर इसको कलर दे सकते हैं। अगर इसे यहाँ पर बोल्ड करना चाहते हैं इस पर क्लिक करेंगे और बोल्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बोल्ड हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से जैसा मैंने लिखा कन्या विवाह, पहले आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर फ़ॉन्ट था ये वाला और यहाँ पर कैसा हो चुका है। इसी तरीके से दोस्तों मैं अन्य भी हिंदी फ़ॉन्ट यहाँ पर कन्वर्ट कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पर अपने हिंदी फ़ॉन्ट को कृतिदेव फ़ॉन्ट में कन्वर्ट कर दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी स्टाइल किस तरीके से चेंज हो चुकी है। अब इसमें अगर कुछ और यहाँ पर एडिटिंग करनी है यहाँ पर इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ए वाले ऑप्शन पर जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको एडिटिंग करने के सभी यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे। बोल्ड करना है यहाँ पर, उसे बैकग्राउंड देनी है यहाँ पर, अगर बैकग्राउंड में आपको कुछ इफेक्ट देना हो तो यहाँ पर वो भी आसानी से दे सकते हैं जो भी यहाँ पर इफेक्ट देना चाहते हैं। मैं दोस्तों यहाँ पर ज़्यादातर स्ट्रोक और शैडो यूज़ करता हूँ। मैं अगर स्ट्रोक पर क्लिक करूँगा, आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर जो भी आप स्ट्रोक देना चाहते हैं जिस भी कलर का वो यहाँ पर दे सकते हैं। इस तरीके के कलर में यहाँ पर दोस्तों मैं बिल्कुल व्हाइट दे देता हूँ जिससे हमारा थोड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर ये लिखा हुआ। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद मैं अगर इंग्लिश वाले पे क्लिक करूँगा तो इंग्लिश वाले पे यहाँ पर मैं दे देता हूँ इसे बैकग्राउंड, यहाँ पर इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर बैकग्राउंड यहाँ पर ब्लैक कर दूँगा। यहाँ पर इसे जितने भी आप यहाँ पर कम या ज़्यादा करना चाहते हैं अपनी बैकग्राउंड को, आगे या पीछे या दोस्तों ऊपर से भी अगर आप बढ़ाना चाहते हो यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने टेक्स्ट का कलर देंगे तो यहाँ पर इस पर जाऊँगा। इस पर जाने के बाद मैं इसे व्हाइट दे दूँगा या दोस्तों यहाँ पर येलो दे देंगे जिससे हमारे यहाँ पर कलर इफेक्ट अच्छा लगे। क्योंकि अगर यहाँ पर हम ब्लैक में रेड दे देंगे या ब्लू दे देंगे तो वो यहाँ पर हमारा अच्छा नहीं लगे। तो यहाँ पर मैं इसलिए येलो दे देता हूँ जिससे हमारा इफेक्ट अच्छा रहे। तो मैं यहाँ पर इसे थोड़ा इस तरीके से बड़ा कर सकता हूँ या साइज में यहाँ पर ऑप्शन दिखाया गया, साइज में जाकर दोस्तों यहाँ पर आप बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर हमारा आ चुका है कन्या विवाह अनुदान योजना अप्लाई ऑनलाइन 2022 1 लाख सीधे खाते में, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे दिखाई थी हमारी जो थंबनेल होती है उसी तरीके से यहाँ पर मैंने बनाई है। अब यहाँ पर हमें लोगो वगैरह किस तरीके से लगाना तो वो यहाँ पर हम लगा देंगे। यहाँ पर लोगो लगाने के लिए या कोई फोटो इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर हमें इस वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर हम इस पर कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ एरो दे सकते हैं, यहाँ पर अपने फोटो लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर इंपोर्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप जो भी फोटो लगाना चाहते हैं, जो भी लोगो लगाना चाहते हो यहाँ पर लगा सकते हैं। मैं अपना फोटो यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी फोटो की बैकग्राउंड रिमूव किया तो यहाँ पर हमारा फोटो अच्छा लगेगा। यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा इस तरीके से फोटो को यहाँ पर छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं जिस भी तरीके से हमारा लगाना हो। यहाँ पर थोड़ी जगह बचा लेंगे जिससे हमारा लोगो ऊपर आसानी से सेट हो जाए। मैंने यहाँ पर फोटो लगा लिया है। उसके बाद यहाँ पर फोटो में कोई भी इफेक्ट देना हो यहाँ पर इस पर क्लिक करना है तो यहाँ पर फोटो के इफेक्ट यहाँ पर सभी ओपन हो जाएगा। यहाँ पर फोटो को भी आप स्ट्रोक दे सकते हैं, शैडो दे सकते हैं। यहाँ पर फोटो को मैं शैडो पे क्लिक करूँगा। शैडो पे क्लिक करने के बाद ऑन कर लूँगा और यहाँ पर इस तरीके के सिमिलर हम शैडो देंगे जिससे हमारी बैकग्राउंड में मैच कर जाए और हमारा फोटो अलग ना लगे। जैसे मैंने यहाँ पर ये दे दिया, यहाँ पर इस तरीके से हमारा फोटो यहाँ पर बिल्कुल मैच कर गया। अगर आप कुछ और कलर की देना चाहते हो यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पर इंपोर्ट में जाकर आप लोगो लगाइए। मैंने दोस्तों अपने लोगो सिलेक्ट कर लिया। आप लोगों को इसी तरीके से यहाँ पर स्ट्रोक देता हूँ या शैडो देता हूँ, जो भी आप यहाँ पर देना चाहते हैं। लोगों को यहाँ पर आपको स्ट्रोक देना है जिससे केवल एक लाइन का सर्कल ही आपके लोगों के चारों तरफ आए। उसके बाद मैं लोगों को यहाँ पर एक कोने में सेट कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा लोगो आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वीडियो बनाने वाला है, जैसे मेरे यहाँ पर फोटो आ चुका है, लोगो आ चुका है, वो जो हम वीडियो के बारे में बताना चाहते हैं वो यहाँ पर हमने लिख दिया। जितना भी आप टाइम देकर अच्छी तरीके से लिखेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। जो भी आप वेबसाइट से वीडियो बनाते हैं, कुछ भी आप करते हैं, चाहे आपके दोस्तों फेस कैम वीडियो हो, उसी तरीके से दोस्तों आप हिंदी इंग्लिश में किसी भी तरीके यहाँ पर थंबनेल बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर विवाह वाली हमारी थंबनेल है तो उसके लिए दोस्तों मैंने एक ईमेल डाउनलोड किया था। ईमेल डाउनलोड करने के बाद दोस्तों उसकी बैकग्राउंड रिमूव की थी तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे को डाउनलोड होने के बाद आया था। यहाँ पर हम इसे क्रॉप कर लेंगे। केवल हमें इतना ही लेना है यहाँ पर विवाह के संबंध में दिखाया गया है। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ।
क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इसे जितना भी छोटा बड़ा करना चाहते हैं, जहाँ पर भी लगाना चाहते हैं उसे यहाँ पर आसानी से लगा सकते हैं, जिससे आपकी थंबनेल और ज़्यादा इफेक्टिव बन जाए। अगर दोस्तों आप थंबनेल बनाते टाइम कुछ कमी कर देते हैं, कुछ गलती कर देते हैं, तो यहाँ पर इसे क्लिक करके अंडो कर सकते हैं, जिससे आप दोबारा से उसी जगह पर आ जाएंगे। यदि दोस्तों आप थंबनेल बनाते टाइम कुछ और काम करना है, तो यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट को सेव भी कर सकते हैं। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिख रहा सेव प्रोजेक्ट टैग्स, इस पर क्लिक करके आप अपने प्रोजेक्ट को सेव कर देंगे। तो जितने भी प्रोजेक्ट दोस्तों आपके सेव हुए होंगे वो यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर आ जाएंगे। आपके प्रोजेक्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर माई प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन दिखाया गया है, तो आपने जितने प्रोजेक्ट यहाँ पर सेव किया है यहाँ पर आ जाएगा। आप कभी भी उन्हें दोबारा से यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने बहुत ही आसानी से एक अच्छी और सुंदर थंबनेल बना ली है। अगर आपको दोस्तों वीडियो में कुछ कमी लगती है, आपको कोई डाउट रह गया, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि मैं हिंदी फॉन्ट को पिक्सल लैब में ऐड करने के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट कर देंगे, तो मैं यहाँ पर एक अलग से आपको वीडियो बना दूंगा। अब हमारी पूरी थंबनेल तैयार हो चुकी है, तो हमें अपनी थंबनेल को सेव करना है, तो यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सेव एज इमेज पर क्लिक करना है। उसके बाद सेव टू गैलरी पर क्लिक करेंगे, तो हमारी थंबनेल आसानी से सेव हो जाएगी। यदि आप इसे HD क्वालिटी में सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर कस्टम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर दोस्तों अल्ट्रा पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेव टू गैलरी पर क्लिक करेंगे, तो हमारी थंबनेल HD में सेव हो जाएगी। हमारी दोस्तों थंबनेल सेव हो चुकी है। मैं बैक जाता हूँ, बैक आने के बाद आपको गैलरी में ले जाकर दिखा दूँ किस तरीके से हमारी थंबनेल डाउनलोड हुई है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो थंबनेल है HD क्वालिटी में यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। आप देख सकते हैं फॉन्ट हमारे कितने अच्छे हैं, बिल्कुल भी यहाँ पर फॉन्ट फट नहीं रहे। मैं इसका साइज यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। इसका साइज है दोस्तों हमारे 1 MB से ज़्यादा। अगर दोस्तों आप हाई क्वालिटी में सेव नहीं करेंगे, तो दोस्तों आपकी थंबनेल 200 से 300 KB में आ जाएगी। हमने यहाँ पर हाई क्वालिटी में सेव की है, तो यहाँ पर हमारी थंबनेल 1 MB से यहाँ पर ज़्यादा की आ रही है। तो दोस्तों इस तरीके से आप पिक्सल लैब के द्वारा अपनी वीडियो के लिए थंबनेल बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।